क्या आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जितने भी मेडल्स बनाए गए हैं वो सारे वेस्ट से बने हैं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में वेस्ट से मेडल क्यों बनाए गए, उन्होंने मेडल्स कैसे बनाए और इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने इतना सारा वेस्ट कैसे कलेक्ट किया। पिछले कई सालों से टेक्नोलॉजी की रफ्तार काफी तेज हो गई है। टीवीज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सब एक बेसिक नेसेसिटी बन गए हैं और इनके भी इतने मॉडल्स आ गए हैं कि हमें अप टू डेट रहने के लिए इन्हें अपडेट करते रहना पड़ता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक की बढ़ती यूसेज की वजह से बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। द कॉन्वर्सेशन की रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2019 में ग्लोबली 53.6 मिलियन टन्स ई वेस्ट जनरेट हुआ है, जिसका अराउंड 17% ही कलेक्ट और रिसाइकिल हो पाया है। और इसी ई वेस्ट में होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, जिसको एक्सट्रैक्ट करके टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मेडल्स बनाए गए। एक्चुअली मेडल्स को ई वेस्ट से बनाने का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ई वेस्ट एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इससे सिर्फ वेस्ट ही नहीं बढ़ता बल्कि ई डिवाइसेस के अंदर मौजूद मर्क्यूरी, लेड एंड कैडमियम जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस लैंडफिल में कंटेमिनेट होकर सॉइल एंड ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली हर साल लाखों बीमारियों का कॉज बनता है। तो टोक्यो ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स ने इस ई वेस्ट को कलेक्ट करने का एक यूनिक आइडिया सोचा। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट। ये कैंपेन 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक चला, विच मींस 2 ईयर्स, जिसमें ई डिवाइसेस दैट इज मेजरली मोबाइल फोन्स को कलेक्ट करने के लिए म्युनिसिपैलिटी को बोला गया। और इनिशियली 600 म्युनिसिपैलिटीज ने ये काम स्टार्ट किया। इसमें पूरे जापान में जगह जगह कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए जहां लोग आकर अपना ई वेस्ट डोनेट कर सकते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि नॉर्मल लोग ओलंपिक्स के मेडल्स बनाने में पार्टिसिपेट किए। इस कैंपेन का रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि 2019 तक इसमें 1621 म्युनिसिपैलिटीज के साथ साथ कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ गई। इस प्रोजेक्ट के अंडर 78,985 टन के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट किया गया। इस ई वेस्ट को एक्सपर्ट्स रिसाइकलर्स के पास भेजा गया, जिन्होंने स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू मेटल को सेग्रीगेट किया, जिसमें से 32 केजीज गोल्ड, 3500 केजीज सिल्वर और 2200 केजीज ब्रॉन्ज तक का मेटल एक्सट्रैक्ट किया गया और इन्हीं को रिसाइकिल करके बनाए गए 5000 ओलंपिक मेडल्स। ओलंपिक्स की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के सारे मेडल्स ई वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाए गए। इतना ही नहीं, ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से इन मेडल्स के रिबन्स भी इको फ्रेंडली मैनर में बनाए गए हैं। इसमें केमिकली रिसाइकल पॉलिस्टर फाइबर्स यूज किया गया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काफी कम CO2 जनरेट करता है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सिर्फ मेडल्स ही नहीं बल्कि मेडल सेरेमनी के टाइम जो पोडियम यूज हुआ है वो भी यूनिक है। ओलंपिक्स में इन टोटल 98 पोडियम्स को 3D प्रिंट करके बनाया गया है और इसमें 1.5 मिलियन पीसेस ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज हुआ है, जिसका वेट अराउंड 24.5 टन्स है। Isn't that amazing? पर एक्चुअली वेस्ट से मेडल्स बनाने का आइडिया कोई नया नहीं है। 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में भी 30% मेडल्स को ई वेस्ट से बनाया गया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे के सारे मेडल्स ई वेस्ट से बने हैं और जिस लेवल का वेस्ट रिसाइकिल हुआ है वो सच में अप्रिशिएट करने लायक है। अब नेक्स्ट ओलंपिक्स 2024 में पेरिस में होगा, जहां एनवायरमेंट को लेकर ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस है। ये देखने लायक होगा कि वो इस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ओलंपिक्स में एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या नए स्टेप्स उठा रहे हैं। पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स ने उनके लिए काफी मेजर बार सेट किया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताइएगा, जिससे लोगों को समझ आए कि रिसाइकिलिंग को कितने बड़े लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है और बाकी के टूर्नामेंट्स में भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जा सके, जिससे वेस्ट भी कम हो और रिसाइकिलिंग भी प्रमोट हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।